हाँ पहचान गए और बाकी लोग का है? हेलो, ट्रीटमेंट हो रहा है तुम्हारा? आंटी का है? टाइम बहुत कम किया उसने, पार्लर गए ना वो लोग। हाँ हाँ, नहीं आंटी कोई खाना नहीं खाना अभी, बस संगीत में चलेंगे। आप हो गए हो रेडी? तो हो ना, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इसी में से खा लू, इसी में से खा लूंगी मैं सब खा लू। नहीं मैं ना आंटी खा पी के आई हूँ अभी, अब भी मम्मी पापा छोड़े हम लोग खा के आए हैं बाजार से। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं चाय भी नहीं, पानी बस पीना है पानी। हेलो एवरीवन, अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि मैं शादी वाले घर पहुँच चुकी हूँ और अब हम होटल के लिए जा रहे हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेरा लास्ट व्लॉग ज़रूर देखें, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है दही। मतलब जब यहाँ रहते थे ना तो वैल्यू समझ नहीं आती थी कि मतलब बहुत अच्छा मिलता है या कुछ, लेकिन जब चले गए ना तो लगता है यार शिट यार बहुत ही अच्छा चाट था। 10 साल हो गए जबलपुर छोड़े हुए, एक चीज जरूर करता हूँ जब भी आ रहे हैं, चाट। एग्जैक्टली, सिविक सेंटर एक दौलत करके। हाँ हाँ, क्या हमेशा पास की याद आती है? तो है ही नहीं, चाट की याद आती है अभी तो किसी भी चीज में होती है। यहाँ से अच्छी चाट कहीं मिली है गुजरात में? सच में, सच में काली रह लिए चार चार बड़ी बड़ी सिटीज में, कहीं चाट मिलती नहीं मिलती नहीं मिलती। चाट वाले जबलपुर में, ऐसे बोलो ना। हाँ, सब चाट वाले जबलपुर में नहीं, हम तारीफ कर रहे हैं। कोलकाता में जाके खा लो आप, लेकिन जो यहाँ का टेस्ट है वो अच्छा लगता है। इसीलिए तो हॉस्पिटल अच्छे चल रहे हैं जबलपुर में। चाट नहीं, सही बोला वो, जब तक ऐसे और ऐसे करके बनाए। हे भगवान, डोंट डू दिस। पहुंच गए हम होटल, बस अब ऊपर चलते हैं। नाइस रूम, अभी हम दो लोग हैं यहाँ पे, अभी हमारी एक और फ्रेंड आने वाली है। पहनूंगी हल्दी वल्दी में, सेम मैं भी ज्यादा कपड़े नहीं पहना हूं। मैं हल्दी के हिसाब से ही, और मेरे बाल कट गए बब्बा, मेरे बड़े हो गए ना अभी इतने इतने इतने। मैंने उनको बोला मैम मेरी लेंथ ना छोटी करना, बोलते बेटा बिना थोड़ा छोटा की कैसे काट दूं। पर ठीक है, चलो डन, जाओ तुम वॉशरूम हो आओ। एक्चुअली ना मैं हाफ कपड़े पहन रही थी और आंटी आगे मिलते, जब पहली बार ऐसे तो नहीं मिल रहा है बिल्कुल ही। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आंटी, अच्छा हम आपसे मिली, हम तो मिले भी नहीं थे ना ऐसे चार साल बाद, लेकिन फाइनली मिले तो सही। चलो आप लोग रेस्ट करो, पानी। रात के 9 बजे हैं और मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज संगीत है और मुझे लगता है मैंने बताया नहीं है किसका संगीत है। तो मेरी फ्रेंड है मानसी, उसकी बहन की शादी हो रही है तो आज उसका संगीत है, और हम सब लोग यहाँ रुके हुए हैं। तो मेरी 3 फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, अनुज्ञा, नेहा और मैं, आई मीन 2, हाँ, और उसकी मम्मी यहाँ पे है, तो हम 3 लोग इस रूम में। तो बस यही, हम लोग रेडी होके बस जा रहे हैं संगीत में। उससे पहले मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। से हाय नेहा, हाय अनु, ब्लॉग का इंट्रोडक्शन वाला हाय है। बस हम लोग रेडी होके वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आएगी, तो फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। सीरियसली उनको तो छोड़ो, अंकल को भी नहीं बता सकते, मम्मी पापा को। चलो नीचे गाड़ी खड़ी है, इससे पहले गाली पड़े। अब चलते लाइट्स ऑफ तो नहीं करना, इंटरनेट कम कर दूँ। चलो चलो चलो, हम सच में ये क्या पता है आपको, सब वहाँ पहुँच चुके हैं, बस हम ही नहीं पहुँचे। कार आ गई है तो बस नीचे जा रहे हैं। चला जा रहा है, मैं भूल गई ना कि लिफ्ट से आना था, मैं आ गई। अब चलो, पर वो फायर एग्जिट है। हाँ
तुम यहीं से लिख लेते ना पगलो, क्योंकि इस बात का स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे। ये तू यार हो गया ना, सॉरी। अब मेरे पीछे पीछे आए भी तुम लोग ना, लेकिन अब लेट से आ सकते थे, लेकिन मैं से नीचे आ गई थी। लोग बेचारे हील्स पहन के मेरे चक्कर में से पूरा स्टेयर्स पे आए हैं। चलो चलो, पक्का मार लिया इनो कार। अच्छा हाँ, हाय। तुम लोग वहाँ से आ रहे हो या अभी वहाँ पहुँचे नहीं हो? क्यों हमने लेट कर दिया है क्या? ये टर्न तो नहीं था, जब हम पहुंचे तो ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो रही थी और वो काफी गलत टाइम था हमारे पहुंचने का। रात के 11 बज रहे हैं और अब हम डांस ख़त्म करके ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ पे खाना चल रहा है वहाँ पर आए हैं। सब ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, बस हम भी खाना खाएंगे और फिर वापस रूम चले जाएंगे। क्या कर रहे हो अनु? ये सब उस रूम में, क्योंकि चार लोग थे हम लोग, लाइक नेहा की मम्मी, मैं, अनु और नेहा। तो फिर अभी हम लोग इस रूम में शिफ्ट हो गए, तो मैं और अनु यहाँ सो जाएंगे, फिर नेहा और वहाँ सो जाएंगे। सब फैला के बैठी हूँ बिल्कुल, अब चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो चेंज तो करना पड़ेगा। होपफुली पसंद आया होगा आपको आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन यस, एंजॉय एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।